हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। गुड न्यूज है टैक्स पेयर्स के लिए, एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 1/2023, और ये कहता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर कंप्लायंसेस टू बी मेड फॉर क्लेमिंग एनी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 to 54GB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब आपको कोई कंप्लायंसेस करने थे, दैट मीन्स डिडक्शंस लेने थे अंडर सेक्शन 54 से लेके 54GB के अंडर, और आप वो कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, दैट मीन्स टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, कितना टाइम लिमिट एक्सटेंड किया है उसके बाद पहले हम ये देखेंगे कितना टाइम लिमिट एक्सटेंड किया है, उसके बाद हम देखेंगे कि 54 to 54GB में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सर्कुलर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ठीक है, जो कि 6 जनवरी 2023 को आया हुआ है। ये सर्कुलर बोलता है, यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ के बता दिया मैंने, बेसिकली 54 से लेके 54GB तक का अगर आपने एग्जम्पशन क्लेम अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सवाल ये आता है कि कौन से पीरियड के लिए, तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहे हैं कि पहले जो डेट थे 1 अप्रैल 2021 से 29 सितंबर 2021, उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर किया था पहले, बट ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का बेसिकली यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से है। तो ये क्या कहते हैं कि हियर बाई प्रोवाइड्स दैट द कंप्लायंसेस टू बी मेड बाय द टैक्स पेयर सच एज इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना था, डिपॉजिट करना था, पेमेंट करना था, एक्विजिशन करना था, परचेज करना था, कंस्ट्रक्शन करना था, या फिर और कोई एक्शन करना था, ठीक है, और वो बेसिकली करना था आपको क्लेम करने के लिए एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कौन से सेक्शन में, 54 से लेके 54GB तक, ठीक है, और जिसका लास्ट डेट था, जिस कंप्लायंस का लास्ट डेट फॉल कर रहा था 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 तक आपको ये कंप्लायंसेस करने थे, मतलब इसके बीच में अगर आपको कंप्लायंसेस कर दे रहे थे, मतलब उसका ड्यू डेट इसके बीच फॉल करता था, तो उस ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी सवाल ये आता था कि 54 और से लेके 54GB में कौन कौन से एग्जम्पशंस होते थे, तो इसमें बेसिकली आपके कैपिटल गेन वाले एग्जम्पशंस आते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी बेचा या फिर कोई और कैपिटल एसेट्स बेच दिया है, बेचने के बाद आपको कैपिटल गेन हुआ है, अभी कैपिटल गेन को सेव करने के लिए 54 से लेके 54GB तक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे वापस री इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे डाल देना, कंस्ट्रक्शन करना, प्रॉपर्टी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एग्जम्पशंस लेने के लिए। अगर आपने नहीं लिया था तो डेट एक्सटेंड कर दिया है, अभी आप एग्जम्पशंस ले सकते हैं। ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि आपको समझना है 54 से लेके 54GB तक का, तो इसमें कुछ सेक्शंस के वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, कैपिटल गेन वाला प्लेलिस्ट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, वन सेकेंड, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फुल प्लेलिस्ट पे, तो यहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें कुछ सेक्शंस है, जैसे 54 मिल जाएगा आपको, इसके बाद आपको 54EC मिल जाएगा, 54F मिल जाएगा, तो जो मेन सेक्शंस है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको समझना है तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ सकते हैं, इनकम टैक्स इंडिया पे, और यहाँ पे आप बेसिकली एक्ट्स में जाके आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे सारे सेक्शंस मिल जाते हैं, आप रीड कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल से बेसिकली पूछ सकते हैं, आपका CA है, टैक्स कंसल्टेंट है, उससे डिस्कस कर सकते हैं और अपना जो कैपिटल गेन है उस पर टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब एक्सटेंशन क्या किया हुआ है, एंड ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड